शायद से हमारी गंडोला राइड अभी बीच में ही रुक गई है, मुझे लगता है शायद इलेक्ट्रिसिटी चली गई है एंड वी आर स्टक, हम ऊंचाई पे अटक गए एक जगह और सारी जितनी भी गंडोला कार कैब्स हैं वो सारी अभी यहाँ पे रुक चुकी हैं। आई होप जल्दी स्टार्ट हो जाए। सो इट हैज स्टार्टेड अगेन, अभी शुरू हो गया एंड यू कैन सी गाइस, आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। आई थिंक श्रीनगर अगर आपको आना है, गुलमर्ग आना है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो समर में प्लान करते हैं आने का, बट विंटर्स में आने का एक अलग ही मज़ा है। एंड यहाँ बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है जो लोग यहाँ पे करते हैं, पीपल हु आर रियली कीन इन डूइंग स्कीइंग एंड अदर आइस स्पोर्ट्स, लेकिन कम वो आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। एंड ये गंडोला सर्विस बेसिकली दो फेज़ की है, तो फेज़ वन तक आप जाके वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्जॉय कर सकते हैं और फेज़ टू में वो और ऊपर एक सेकेंड टॉप पीक पे लेके जाता है, बट वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। बट आई थिंक अगर आप फेज़ वन तक भी जाते हैं वहाँ पे यू गेट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़, आप वहाँ पे उसको ईजिली इन्जॉय कर सकते हैं। एंड कमिंग बैक इट्स रियली इट्स ब्यूटीफुल। इन्जॉय किया अभी तक यहाँ पे, इट वॉज वर्थ कमिंग। आई थिंक मेरा बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि मैं विंटर्स में आया हूँ यहाँ पे, तो सारा ही सफ़ेद है, कुदरत का एक अनोखा रंग, सफ़ेद रंग जो शायद इसी सीजन में आपको देखने को मिलेगा। नीचे आप ट्रेल देख सकते हैं, ये ट्रेल बेसिकली जो लोग स्कीइंग करते हुए नीचे आते हैं उनके प्रिंट्स हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो टॉप पे जाते हैं और स्कीइंग करते हुए नीचे आते हैं। सो खैर मुझे स्कीइंग नहीं आती थी तो आई चूज नॉट टू यूज दैट और मैं गंडोला में काफ़ी सहारा हूँ। तो आप लोग मज़े लीजिए गंडोला के, आप जहाँ से भी इसे देख रहे हैं बहुत ही शानदार गंडोला राइड। गंडोला राइड वो आपको जो छोटे छोटे से मकान आगे दिख रहे हैं जो शायद हम पास जाएंगे तो आप देख पाएंगे, ये बेसिकली शेपर्ड्स हैं, उनके घर हैं जो हायर रीचेस में रहते हैं पहाड़ों में और विंटर्स समर्स में रहते हैं और विंटर्स में ये लोग नीचे चले जाते हैं मैदानी इलाकों में। तो अभी आप देख सकते हैं लोग बहुत सारे घर हैं यहाँ पे, ये सारे लॉक्ड हैं और विंटर्स में ये सारे
बर्फ से ढके हुए हैं। तो इस समय ये लोग कोई घर पे इन घरों में नहीं रहते, ये यहाँ से जाके अब मैदानी इलाकों में चलेंगे जहाँ पे बर्फ नहीं होती है। इट इज़ वेरी टफ लाइफ फॉर देम, है ना, कितना मुश्किल है। हम लोग अपने लाइफ में ढूंढते हैं कि हमें कंफर्टेबल मिले सब कुछ, एंड लुक एट दीज पीपल जहाँ पे जिनको अपना घर बार छोड़ कर विंटर्स में जाना पड़ता है और एक नए घर की तलाश में ये लोग निकल पड़ते हैं। अपनी भेड़ बकरी और जितने भी जानवर हैं उनको लेके ये लोग नीचे चले जाते हैं, और हम लोग 365 दिन अपने घरों में रहते हैं, एंड फिर भी हम लोग बहुत सारे बहाने ढूंढते काम ना करने के। एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं और एक नए घर की तलाश में हर साल वो निकलते हैं। सो लेसन टू लर्न फ्रॉम दीज पीपल, अमेजिंग। वर्थ कमिंग, मतलब आप एक गंडोला राइड जब भी आए जरूर लें। एंड श्रीनगर से आना कोई इतना टफ नहीं है, आप इजीली वहाँ से कैब्स आपको मिल जाती हैं, होटल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अराउंड आई थिंक अगर आप टाइमली अगर अपनी बुकिंग करा लेती हैं तो 1.5 से 2,000, 2,500, 3,000 में आपको यू गेट गुड अकोमोडेशन हियर। एंड श्रीनगर से गुलमर्ग आने का भी आई थिंक यू कैन टेक अ डायरेक्ट कैब, आपको मिल जाएगी श्रीनगर से, जिसकी कॉस्ट अराउंड आई थिंक व्हाट वी पेड इज़ अराउंड 3,000 rupees। सो इट इज़ वर्थ कमिंग हियर, ब्यूटीफुल। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लोग, एक देर इज़ वन गाय जो स्लेज के थ्रू उसको नीचे लेके जा रहा है। सो पीपल चूज डिफरेंट ऑप्शंस टू गो डाउन एंड एक्सपीरियंस, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए लोग नीचे आते हैं। द वैली यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत है। सी वहां बहुत सारे लोग स्कीइंग के लिए दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं अपने बेस पर जहां से ये गंडोला राइड शुरू होती है, और आप कह सकते हैं जो मेरे लिए ख़त्म होने जा रही है जहां पे। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था, मैं आप सबको यही कहूँगा जब भी आप श्रीनगर आते हैं पहले दो चीज़ें आप ये मत सोचिए श्रीनगर आने का सही टाइम समर्स है, इवन आप विंटर्स में भी अगर आते हैं तो यू विल फाइंड अ डिफरेंट, आप बिल्कुल एक अलग पैराडाइज को पाओगे। मतलब पेड़ों के ऊपर ये वाइट कलर की चादर, ज़मीन पे तो हमने देखी थी लेकिन हमने पेड़ों के ऊपर शायद ही कभी देखी थी, ये आपको इसी सीज़न में देखने को मिलेगा। आई थिंक बनता है अगर आप एक बार सर्दियों में भी प्लान करते हैं श्रीनगर आने का। सो इस साल कोविड के कारण मुझे लोकल लोगों से पता चला कि बहुत सारे फॉरेनर्स नहीं हैं, अदरवाइज बहुत सारे फॉरेनर्स इस सीज़न में आते थे। इनफैक्ट अभी भी ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस समय भी बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे थे, बहुत सारे अलग अलग स्टेट से, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, सो लॉट ऑफ पीपल आर हियर, बहुत सारे लोग थे। सो दिस इज़ दी गंडोला राइड एट गुलमर्ग, गुलमर्ग की गंडोला राइड आपने देखी, एंड आई हैव टोटली इन्जॉयड दिस, थैंक यू सो मच। और हमारी गंडोला राइड अब ख़त्म होने वाली है, स्टॉप।